हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है डिटरमिन कैसे होता है। उसके दो वेज़ होते हैं। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है विच इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटीज़, और सेकंड था फ्लोटिंग, जो कि डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। आज हम देखेंगे कि डोमेस्टिक करेंसी जो है कब ओवर वैल्यू हो जाती है, कब उसकी एप्रिसिएशन होती है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डोमेस्टिक करेंसी जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन करेंसी। और ये तब उस सिचुएशन के अंदर होता है जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और डिमांड या कम हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है ओवर वैल्यू हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमें कम इंडियन रुपीज़ देने पड़ते हैं डॉलर की परचेज़ के लिए। जैसे मान लो $1 जो है पहले 65 रुपीज़ था, पहले हमें 65 रुपीज़ दे के $1 परचेज़ करना पड़ता था। अब हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसका रीज़न होता है कि या तो डॉलर की जो करेंसी है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है या उसकी डिमांड कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमें 60 रुपीज़ दे के $1 जो है परचेज़ करना पड़ता है। तो अगर एप्रिसिएशन होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी इंपोर्ट जो होती हैं वो चीपर हो जाती हैं, और एक्सपोर्ट के अंदर हमें कम, मतलब क्योंकि वहाँ पे डॉलर के अंदर पैसे मिलते हैं, तो डॉलर को जब हम इंडिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वह हमें कम पैसे मिलते हैं। और इसी तरह जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल कर जाती है। ये उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है जब जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी या सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें पहले के मुकाबले में ज़्यादा रुपीज़ जो है देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी इंपोर्ट जो है दे बिकम एक्सपेंसिव, और एक्सपोर्ट जो होती है उसके अंदर हमें ज़्यादा वैल्यू मिलती है। जैसे $1 जो है 65 है, हमारी एक्सपोर्ट जो है सस्ती हो जाती है यहाँ पे। और अब जो है हमें $1 के लिए क्या है कि 70 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है उसकी जो है डेप्रिसिएशन होगी, हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ते हैं अगर हमने $1 जो है परचेज़ करना है। अब हम देखते हैं कि हम जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड क्यों करते हैं, उसकी सप्लाई के सोर्सेज क्या होते हैं। देखो, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है हमें डिफरेंट पर्पज़ के लिए चाहिए होता है। जैसे हमने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको पेमेंट करनी होती है। फर्स्ट जो है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारा देश जो है फॉरेन करेंसी के अंदर इंटरनेशनल लोन अवेल करता है, तो जब हमने रीपे करना होता है तो उस सिचुएशन के अंदर हमने फॉरेन करेंसी के अंदर ही पे करना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह क्या होता है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे हमें जो दूसरे देश की करेंसी चाहिए होती है, अगर हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो नेचुरली अगर हमने USA के अंदर करनी है तो हमें डॉलर रिक्वायर्ड होते हैं। उसी तरह क्या है कि अगर हम बाहर से चीज़ें जो है मंगवाते हैं तो हमें उनकी जो पेमेंट होती है जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमें उसी देश की जो करेंसी होती है उसी के अंदर पेमेंट करनी होती है। और कई बार क्या होता है कि हम बाहर जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि हम शॉपिंग करते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तो वो जो पेमेंट्स होती हैं वो भी हमें फॉरेन करेंसी के अंदर ही रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह क्या होती है कि दूसरे देशों को जब ग्रांट्स एंड डोनेशंस देनी पड़ती हैं तो उसके लिए भी हमें ग्रांट्स और डोनेशन अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे देनी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देनी है, तो उसके अंदर भी हमें वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही देनी पड़ेगी। और उसी तरह क्या है कि कई बार क्या होता है कि जैसे बाहर के लोग जो हैं हमारे यहाँ पर काम करते हैं तो वो अपनी उनको यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर तो क्या होता है कि उनको इंडियन करेंसी में ही पेमेंट्स मिलती हैं, मतलब जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लेकिन उन्होंने अपने देश के अंदर जब वो रीपेमेंट करते हैं तो वो फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह क्या होता है कि कुछ लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है जैसे लगता है कि $ अभी सस्ता है, बाद में एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है फॉरेन करेंसी के अंदर करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट जो है पड़ती है। उसी तरह देखो, सप्लाई जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से जो पेमेंट आती है वो मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर ही आती है। और कई बार क्या होता है कि जो दूसरे देश है वो भी हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होती है,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि फ़ंड्स आते हैं वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आते हैं। उसी तरह क्या होता है कि फॉरेनर हमारे देश के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि फॉरेन करेंसी वो एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी लेते हैं, तो वो फॉरेन करेंसी भी जो है सप्लाई का सोर्स होती है। उसी तरह क्या होता है कि जब दूसरे देशों से हम लोन लेते हैं तो वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर से ही आता है। और उसी तरह क्या होता है कि ग्रांट्स और डोनेशन अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है तो वो भी फॉरेन करेंसी के रूप में ही आती है। और हमारे देश के लोग जो है बाहर काम करते हैं तो वहाँ पर फॉरेन करेंसी के रूप में उनको पेमेंट्स मिलती हैं, तो हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी भेजते हैं। उसी तरह क्या है कि रिमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे भी क्या होता है कि जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो भी जब अपने देश को वापस पैसे भेजते हैं तो वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही होते हैं। और इनकम रिसीट्स के अंदर भी क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे देश के अंदर इनकम जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, उसकी फॉर्म में आता है, तो वो भी फॉरेन करेंसी के रूप में ही आता है।